नमस्कार, मेरा नाम दिलाव सिंह वाघेला है। आज हम ये वीडियो में गुरु महाराज जो कि 8 जनवरी 2016 से लेके 9 मई 2016 तक वक्री चलने वाले हैं, ये वक्री गुरु की जो इफेक्ट है वो अलग अलग राशियों पे क्या होगी वो देखेंगे। सबसे पहले हम लेंगे मेष राशि। मेष राशि वाले जातक को ये वक्री गुरु क्या असर देंगे ये देखें। मेष राशि वाले जातक में गुरु महाराज जो है वो नवम भाव और वे भाव के मालिक होकर वक्री चल रहे हैं। नवम भाव है भाग्य का, वे भाव है खर्च, बंधन, हॉस्पिटलाइजेशन, परदेश। तो मेष राशि वाले जातक अगर कोई हायर एजुकेशन को लेके कुछ सोच रहे हैं, कहीं बाहर जाके पढ़ने का सोच रहे हैं, तो ये वक्त में उनको जो रिजल्ट मिलेगा वो उनके जो आशाएं होगी उससे खिलाफ मिलेगा, यानी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। ये जो हायर एजुकेशन की बात है, फिर भाग्य को लेके उनको जो तक मिलनी चाहिए ये वक्त में वो नहीं मिलेगी। दूसरी बात ये याद रखनी चाहिए कि भाई जिन जातकों की कुंडली में, यानी सब राशि वाले जातक में जिनकी कुंडली में मूल कुंडली में यानी गुरु महाराज वक्री है, उनको ये जो गुरु महाराज वक्री चल रहे हैं 8 जनवरी 2016 से लेके 9 मई 2016 तक, उनको वो अच्छा रिजल्ट देंगे। तो यहाँ पे हम ये दोनों कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखेंगे, यानी मेष राशि वाले जातक जिनकी कुंडली में गुरु महाराज वक्री ही है तो उनके लिए ये वक्त जो रहेगा वो भाग्य को लेकर अच्छा रहेगा। परदेश जाने के बारे में उन्होंने कुछ सोचा है तो काम उनका हो जाएगा, साथ में ही बड़ी संस्था के साथ उनके संबंध अच्छे रहेंगे, तो ये उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। इस तरह हम आगे देखें वृषभ राशि। तो वृषभ राशि में गुरु महाराज जो है अष्टम भाव और लाभ भाव के मालिक हो रहे हैं। अष्टम भाव है हमारे हर्डल्स जीवन में, जो भी मुसीबत आफत आती है अष्टम भाव से आती है, साथ में ही लंबी बीमारियों का है अष्टम भाव, ससुराल पक्ष का है। तो ये जो बात है उसमें वक्री गुरु वृषभ राशि वाले जातक को नकारात्मक रिजल्ट दे सकते हैं, साथ में ही उनके जो पूर्वजों की प्रॉपर्टी है, एंसेस्टर प्रॉपर्टी, उसको लेकर अगर उन्होंने कोई कोई काम वो कर रहे हैं या वो लेने की बात है या उससे रिलेटेड कोई भी बात है, तो ये वक्त में उनको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। उनको पॉजिटिव रिजल्ट 9 मई 2016 के बाद ही ये सब चीजों में मिलेगा। उनकी सडनली हेल्थ को बिगड़ सकती है, तो ये भी वृषभ राशि वाले जातक ध्यान रखे। और उनको जो ओवरऑल लाभ मिलना चाहिए ये वक्त में नहीं मिलेगा। मित्रों के साथ अनबन हो सकती है, बड़े लोगों के साथ उनकी अनबन हो सकती है, बड़े लोगों का जो सपोर्ट मिलना चाहिए ये वक्री गुरु में वृषभ राशि वाले जातक को नहीं मिलेगा। हाँ, पर ये ध्यान रखना है कि उनकी कुंडली में गुरु महाराज वक्री न होने चाहिए। मूल कुंडली में अगर गुरु वक्री होंगे वृषभ राशि वाले जातक को, तो ये सब बात जो चीजें है उसमें उनको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, यानी एंसेस्टर प्रॉपर्टी उनको मिल सकती है, लाभ मिल सकता है, मित्रों के साथ अच्छा रहेगा। तो इस तरह से हमें आगे सोचना होगा। आगे देखें मिथुन राशि। तो मिथुन राशि में गुरु महाराज जो है सप्तम भाव और कर्म भाव के मालिक हो रहे हैं। सप्तम भाव है जाहिर जीवन, यानी हमारे शिवराय के जो भी लोग हैं वो सप्तम भाव से देखेंगे, साथ में ही लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर। तो मिथुन राशि वाले जातक अगर शादी के बारे में सोच रहे हैं तो ये वक्त जो चलेगा जब गुरु महाराज वक्री चल रहे हैं, ये वक्त में उनके लिए पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। लाइफ पार्टनर या शादी के रिलेटेड कोई भी अगर वो बातें चलाना चाहते हैं तो बातें रुक जाएगी। सडनली ऐसा हो सकता है कि जिनके साथ बड़े लंबे समय से संबंध हो और उनको मैरिज के बारे में आप खुश हो गए तो उनकी ना आ सकती है, लेकिन उनको 9 मई 2016 के बाद ये सब जो चीजें हैं उसमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। साथ में मिथुन राशि वाले जातक जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें ये वक्त में उनको ऐसा लगेगा कि बिजनेस मंदा हो गया है या ऑर्डर जो आने चाहिए वो नहीं आ रहे हैं, साथ में उनकी जो प्रतिष्ठा है उसको लेकर थोड़े प्रश्न उपस्थित ये वक्त में हो सकते हैं, तो ये भी उनको ध्यान रखना होगा। आगे देखें कर्क राशि। कर्क राशि में गुरु महाराज जो है छठे भाव के मालिक हो रहे हैं और भाग्य भाव के मालिक हो रहे हैं, यानी कर्क राशि वाले जातक जॉब जो कर रहे हैं उसमें ये वक्त में उनको परेशानी आ सकती है, अच्छी जॉब जो है वो चली जा सकती है या सडनली कुछ प्रश्न ऐसे क्रिएट होंगे उनको वो जॉब छोड़नी पड़ेगी, साथ में ही शत्रुओं की वजह से परेशानी हो सकती है,
अपने कलीग्स की वजह से उनको परेशानियां ये वक्त में सहन करनी पड़ सकती है, मामा के साथ जो भी संबंध होंगे उसमें ये वक्त में पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा, भाग्य को लेके जो भी उन्होंने सोचा है, जो भी उन्होंने प्लानिंग किया है, ये वक्त में उनको भाग्य का सपोर्ट कम मिलेगा। तो कर्क राशि वाले जातक को ये थोड़ा ध्यान में रखना होगा। साथ में ही सीजनल बीमारियां, ऋतुगत मांगी जो है वो उनको ये वक्त में डिस्टर्ब कर सकती है, जब तक गुरु महाराज बकरी चलेंगे तब तक। आगे देखिए सिंह राशि, सिंह राशि में गुरु महाराज जो है वो पंचम भाव और अष्टम भाव के मालिक हो रहे हैं। तो सिंह राशि वाले जातक को अपने एजुकेशन, अपने संतान को लेके दिक्कतें या परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। साथ में अगर सिंह राशि वाले जातक कोई रिलेशनशिप में है, प्रेम में है, तो भी उनको ये वक्त में नेगेटिव रिजल्ट मिल सकता है। प्रेमी जो है वो हो सकता है उसका स्वभाव एडजस्ट ना हो या ब्रेकअप भी हो सकता है, तो ये भी ध्यान में रखना होगा। साथ में ही हेल्थ को लेकर भी सिंह राशि वाले जातक को थोड़ा ज्यादा ध्यान में रखना होगा, क्योंकि सिंह राशि में गुरु महाराज अष्टम भाव के मालिक होकर लग्न में चले गए, तो यहाँ पे उनको बीमारी आ सकती है, लंबी बीमारी आ सकती है, ये भी थोड़ा ध्यान में रखिए। ससुराल के साथ के जो संबंध है उसमें भी परेशानियां आ सकती है, तो ये भी उनको ध्यान में रखना होगा। आगे देखिए कन्या राशि, कन्या राशि में गुरु महाराज चतुर्थ भाव और सप्तम भाव के मालिक होकर बकरी चलते रहेगा। चतुर्थ भाव है प्रॉपर्टी, जमीन, मकान, वाहन, माता, दिल के प्रेम का है और घाट प्रेम जिसे बोलते हैं, बिग ब्लॉक उसका है। तो ये सब चीजों में कन्या राशि वाले जातक को दिक्कतें आएगी। प्रॉपर्टी को लेके कोई डील चल रही है तो वो स्थगित हो सकती है या उसमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। मकान लेना वो चाहते हैं तो बात नहीं बनेगी, कोई अच्छा व्हीकल लेना चाहते हैं, कार लेना चाहते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ बाधाएं आ सकती है। माता को लेके परेशानियां आ सकती है, माता के लिए कुछ खर्च करना पड़ सकता है। साथ में ही सप्तम भाव, तो सप्तम भाव है मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ सडनली प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। लाइफ पार्टनर जो है आपके साथ जो एडजस्टमेंट बना रहा था अभी तक, तो जब गुरु महाराज बकरी चल रहे हैं वो समय में वो आपको एडजस्ट नहीं होंगे, थोड़ा जिद्दीपन उनमें आ सकता है, या ऐसा समझिए कि भाई कुछ ना कुछ खर्च उनके लिए बढ़ सकता है, तो ये ध्यान में रखना होगा। तुला राशि, तो तुला राशि वाले जातक जो है इनकी कमी में गुरु महाराज तृतीय भाव और छठे भाव के मालिक होकर बकरी चलेंगे। तृतीय भाव है भाई बहन, पड़ोसी, साथ में हमारा साहस और कम्युनिकेशन। तो तुला राशि वाले जातक को ये जो चीजें बताएं उसमें ध्यान देना होगा। भाई बहनों के साथ सडनली उनके संबंध बिगड़ सकते हैं, साथ में ही पड़ोसियों के साथ भी थोड़ा मजा नहीं आएगा। कम्युनिकेशन में उनको ध्यान रखना होगा, अपने पासवर्ड ये जो भी है उनको बहुत सेफ रखना होगा। हो सकता है आपके पासवर्ड हैक हो या आपके कम्युनिकेशन में ऐसी कोई गलती हो जिसकी वजह से आपको घाटा झेलना पड़ सकता है, तो थोड़ा ये ध्यान में रखना होगा। साथ में तृतीय भाव है एग्रीमेंट, तो अगर आप किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट कर रहे हो तो ये जो वक्त है गुरु बकरी का उसमें आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है वो एग्रीमेंट आपको कहीं फंसा न दो। साथ में ही छठे भाव का मालिक होकर गुरु बकरी चलेगा तुला राशि में। छठा भाव है जॉब, तो सडनली कोई भी जॉब जो है वो आपकी जो है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। लेकिन जिन तुला राशि वाले जातक की कुंडली में गुरु महाराज बकरी ही है उनको ये वक्त में जॉब में कोई अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अच्छी जॉब सडनली मिल सकती है, तो ये भी एक अच्छी बात है। साथ में ही अगर कोई कोर्ट मैटर चल रही है तुला राशि वाले जातक को, तो उसमें भी उनको ध्यान रखना होगा, उसमें भी उनको परेशानियां आ सकती है, शत्रु परेशान कर सकते हैं। आगे देखते हैं वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि में गुरु महाराज द्वितीय भाव और पंचम भाव के मालिक होकर वक्री चलेंगे। द्वितीय भाव है कुटुंब, हमारी सेविंग्स, हमारी वाणी, पंचम भाव है संतान, प्रेम, एजुकेशन। तो ये जो मैंने बातें बताई उसमें वृश्चिक लग्न वाले जातक को दिक्कतें आ सकती है, कुटुंब के साथ का जो संबंध है उसमें अनबन हो सकती है, कुटुंब में सडनली कोई कष्ट क्रिएट हो सकता है, उनकी जो सेविंग्स है वो सडनली डिस्टर्ब या खत्म हो सकती है, या कोई ऐसा खर्च आएगा जिसकी वजह से इनकी सेविंग्स पे बुरा प्रभाव पड़ सकता है। संतान को लेके उनको कुछ ना कुछ टेंशन रहेगा, संतान अपनी मनमानी करेंगे,
जिनके साथ इनके प्रेम का संबंध है उसमें भी उनको कड़वा आ सकती है। प्रेमी जो है या जिनके साथ रिलेशनशिप है वो आपको थोड़ा कम समझेगा इनको, अपने ये भी ध्यान रखना है। एजुकेशन को लेकर आप जो भी डिसीजन ले रहे हो, कोई लाइन पसंद करने जा रहे हो, तो आप जिसमें जाना चाहते हो जिस लाइन में, उसमें आपको बाकी परसेंटेज की वजह से या कोई और वजह से वो लाइन आपको नहीं मिलेगी, या उसके लिए आपको वेट करना होगा। वेट आपको करना होगा 9 मई 2016 तक। लेकिन जिनकी कुंडली में गुरु महाराज बकरी ही है वो वृश्चिक वाले वृश्चिक राशि वाले जातक को ये पॉजिटिव रिजल्ट देंगे ये सब चीज में। धनु राशि, तो धनु राशि में गुरु महाराज लग्न भाव और चतुर्थ भाव के मालिकों के बकरी चलेंगे। धनु राशि वाले जातक जो है वो ये वक्त में थोड़ा जिद्दीपन में आएगा, उनका विजन जो है वो थोड़ा डगमगा जाएगा, क्या करना है कैसे करना है, तो ये बात उन्हें थोड़ी परेशान करेगी। साथ में ही जमीन मकान वाहन माता के प्रति उनका जो है रवैया वो चेंज होगा, थोड़ा उसमें डिस्टर्बेंस आ सकता है। प्रॉपर्टी को लेकर कोई अगर काम चल रहा है तो उसमें परेशानी आ सकती है, सडनली कोई लिटिगेशन प्रॉपर्टी में आ सकता है, वाहन को लेकर कोई भी दिक्कत आ सकती है, तो ये उनको ध्यान रखना होगा। साथ में ही वो अपने आप को थोड़ा ये वक्त में अकेला महसूस कर सकते हैं, या उनके स्वभाव के अनुकूल परिस्थितियां नहीं चलेगी, तो ये धनु राशि वाले जातक को थोड़ा ध्यान रखना होगा। आगे देखें मकर राशि, तो मकर राशि में गुरु महाराज जो है व्यय भाव और तृतीय भाव के मालिकों के वक्री चलेंगे। व्यय भाव है खर्च, बंधन, जय, लिटिगेशन, हॉस्पिटलाइजेशन और बड़ी संस्था है और प्रदेश, और तृतीय भाव है भाई बहन पड़ोसी कम्युनिकेशन। तो मकर राशि वाले जातक को ये जो मैंने चीजें बताई उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें आ सकती है, साथ में ही सडनली हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है या खर्च ऐसा हो सकता है जो आपको परेशान करे। परदेश को लेके अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हो तो ये वक्त में आपका थोड़ा प्लानिंग डगमगा जाएगा, डिस्टर्ब हो सकता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। साथ में ही बड़ी संस्थाओं के साथ आपके जो संबंध है उसमें भी कुछ ना कुछ दिक्कतें आ सकती है। खर्च का जो प्रमाण है वो ये वक्त में ज्यादा रहेगा, ये ध्यान रखना है। भाई बहनों के प्रति भी आपको खर्च करना पड़ सकता है, साथ में ही कम्युनिकेशन जो आपका होगा वो भी आपको कुछ ना कुछ परेशानी देगा, तो जो भी आप बातचीत करें फोन पे मेल करें जो भी करें उसमें थोड़ा सावधानी रखेगा, अपने पासवर्ड जो है वो थोड़ा संभालिएगा, हो सकता है वो आपको नुकसान पहुंचा सके। कुंभ राशि, कुंभ राशि में गुरु महाराज जो है लाभ भाव और द्वितीय भाव के मालिकों पर बढ़ते चलेंगे। द्वितीय भाव की वजह से कुटुंब में परेशानी आ सकती है, आपकी सेविंग्स बुरी तरह से डिस्टर्ब हो सकती है, साथ में आपकी जो वाणी से आपको जो लाभ होना चाहिए वो नहीं होगा। जो लोग मार्केटिंग में है उनको ये टाइम में अपनी वाणी के प्रभाव का लाभ जो मिलना चाहिए नहीं मिलेगा, साथ में ये बड़े लोगों का साथ आपको नहीं मिलेगा। आपके जो लाभ है कोई काम आपने किया है उसमें से जो आपको पैसे मिलने चाहिए, तो गुरु महाराज जब तक बकरी चलेंगे आपको वो पैसे नहीं मिलेंगे या कम मिलेंगे, या उसमें थोड़ा बहुत ऐसा आएगा तारीख पे तारीख आ सकती है, कभी महीने बाद मिलेगा, 2 महीने बाद मिलेगा, यानी कहने का मतलब 9 मई 2016 के बाद मिलेगा। मित्रों के साथ भी थोड़ी अनबन कुंभ राशि वाले जातक को हो सकती है, तो ये भी ध्यान रखें। मीन राशि, मीन राशि में गुरु महाराज जो है वो लग्न भाव और दशम भाव के मालिक होते हैं, कर्म भाव के मालिक होने की वजह से मीन राशि वाले जातक जो भी कोई बिजनेस करते हैं उसमें वो मंदी का सामना करना होगा, जो भी ऑर्डर्स मिलते थे अभी तक वो कम हो जाएंगे या नहीं मिलेंगे, सडनली एकदम धीमापन आ जाएगा बिजनेस में। पिताजी के साथ भी अनबन हो सकती है, यस मैन प्रतिष्ठा को लेकर कुछ प्रक्रिया हो सकते हैं, साथ में ही उनके खुद के स्वभाव में भी थोड़ा जिद्दी बन आएगा, वो अपने आप को अकेला महसूस पा सकते हैं, क्या करना है कैसे करना है, थोड़ा ये दिमाग जो है वो कम यानी डिस्टर्ब रहेंगे वो, साथ में शत्रुओं की वजह से भी आपके स्वभाव बुरा प्रभाव हो सकता है, या आपके बिजनेस में आपका जो मुनाफा होगा वो आपको ऐसा लगेगा यार मैं अगर जॉब भी करता तो भी मुझे इतने पैसे मिलता, ऐसा थिंकिंग ये वक्त में आ सकता है, तो मीन राशि वाले जातक को यह ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे मैं जो कहना चाहता हूँ कि जिन जातक की कुंडली में मूल कुंडली में गुरु महाराज बकरी कर सकते हैं या नेगेटिव रिजल्ट देंगे जो भी मैंने चीजें बताई उसके बारे में, तो यह थोड़ा चेक करिएगा। आशा रखता हूँ कि बकरी गुरु के जो मेरा वीडियो है आपको कुछ ना कुछ जरूर करेगा, कुछ नॉलेज देगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।